Hey, hello everyone. This is Professor Nilesh Ananwadi welcoming you from my YouTube channel that's called Ananwadi Biology Classes for the student, those who are preparing for the NEET and CET like examination. And I have another channel also that's called as a NEET, means that's called as a NET SET exam preparation for those students, those who are preparing for the NET SET like examination. We know that NET SET examinations are for the assistant professorship as well as for the, you can say, research purpose. Means if you want to be a research fellow in one of the very famous academic or you can say any research laboratory, then that you must have to prepare for the NET SET. So I have these two channel. आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया. तो जैसे हम पता है ऑल द किंगडम एनिमेलिया आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी सच एज इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स. तो हम इन सबको डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया गाइस. थैंक यू सो मच. हेलो दोस्तों, दिस इज प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी. I am going to explain you today what is kingdom animalia. तो हम आज डिटेल में देखेंगे, नीट प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें से एक एमसीक्यू पूछने के चांसेस होते हैं. तो आइए हम देखते हैं डिटेल में किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. किंगडम एनिमेलिया first character, they are heterotrophic eukaryotic organism that are multicellular and their cells lack cell wall. तो ये character एकदम basics है, लेकिन जो first time सुन रहे ये चीजें, जिन्होंने पहले कभी इन चीजों के बारे में पढ़ाई नहीं की है, तो वो डिटेल में समझ ले. they are heterotrophic eukaryotic organism. heterotrophic मतलब वो दूसरों के ऊपर depend रहते हैं, वो खुद अपना food बना नहीं सकते, जैसे plant. तो हम एनिमल कैटेगरी में आते हैं तो हम अपना खुद फूड बना नहीं सकते, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक. एंड यूकैरियोटिक मींस आवर सेल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, देयरफॉर वी कॉल्ड यूकैरियोट्स. यू मींस ट्रू, कैरियोट मींस न्यूक्लियस. एंड दे आर मल्टीसेल्युलर एंड लैक द सेल वॉल. तो हम एक सेल से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों अरबों सेल से बने हुए होते हैं. We are made by million, billion and trillions of cells and therefore it is called as a multicellular organism. And our cell do not have a cell wall like a plant have. Second character, they directly or indirectly depend on plants for the food material. Yes, कुछ animal ऐसे होते हैं जो directly plant को खाते हैं, जैसे rabbit हुए, grasshopper हुए, तो ये herbivores में आते हैं क्योंकि ये herb को, plant को खाते हैं. और कुछ animal ऐसे होते हैं जो indirectly depend होते हैं. Yes, जैसे हम इनडायरेक्टली डिपेंड, कुछ एनिमल ऐसे भी इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जैसे वाइल्ड कैट है और लायन. लायन एंड वाइल्ड कैट्स आर कार्निवोर्स, दे आर ईटिंग द रैबिट, वो रैबिट को खाते हैं, लेकिन रैबिट प्लांट को खाते हैं. इसके लिए वाइल्ड कैट और टाइगर, लायन जो है वो इंडिपेंडेंट डिपेंड है. थर्ड, दे डाइजेस्ट फूड एंड स्टोर फूड विच इज एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट. तो जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन और फैट होते हैं. अभी ये रिजर्व फूड मटेरियल मतलब क्या, मान लो आप सुबह को घर से निकलते हो कोचिंग क्लासेस के लिए, कॉलेज के लिए, और शाम को घर पे लौटते हो, तो आप अपने साथ में टिफिन कैरी करोगे जिसमें लंच होगा. सेम वे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मसल्स के अंदर फैट या तो ग्लाइकोजन भरा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी सेव करता है. जब हमें भूख लगती है, जब हम स्टार्वेशन में होते हैं, फास्टिंग पीरियड में, तब हम ग्लाइकोजन और फैट में से ग्लूकोज बना सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. फोर्थ वन, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ होलोजोइक बाय इंजेस्टिंग द फूड. तो वो दूसरों के फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए होलोजोइक बोलते हैं. दे ग्रोज इनटू एडल्ट दैट हैव अ डिफाइनेड शेप एंड साइज. यस, किंगडम एनिमेलिया में जब बर्थ के टाइम पे स्मॉल होते हैं और उसके बाद इन्हें डिफाइनेड शेप और साइज आ जाती है. जैसे मान लो एक बच्चा है जिसका बर्थ होता है तो मे बी 30-40 सेंटीमीटर होता है, वेट नियर अबाउट 2.5-3.5 किलो होता है, लेकिन बड़े होने के बाद उसका साइज, शेप, विड्थ, गर्थ, हाइट सब बढ़ जाता है. सिक्स्थ वन, हायर फॉर्म शोज सेंसरी एंड न्यूरोमीटर मैकेनिज्म. व्हाट डज इट मीन, जब हमारी सेंसेशन बढ़ जाती है तो
न्यूरो मोटर मैकेनिज्म बढ़ जाते हैं। न्यूरो मोटर मैकेनिज्म मतलब हमारे ब्रेन में से आने वाले सभी प्रकार के मैसेजेस हमारे बॉडी को, हर बॉडी के पार्ट्स तक में पहुंचाए जाते हैं। मान लो फिंगर पे अगर हम कोई नीडल से प्रिक करते हैं तो ब्रेन तक मैसेज जाता है, तो हमारा ब्रेन रिप्लाई देता है कि वो फिंगर के ऊपर ज्यादा प्रिकिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो ब्रेन विल रिप्लाई द फिंगर टू विड्रॉ द हैंड। सो दिस इज बेसिकली द न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। स्पेशली अगर हम डिटेल में देखा जाए तो हमारे ब्रेन में से बहुत सारे मैसेजेस हमारी बॉडी में आते हैं वाया हार्मोन्स, तो वो भी न्यूरो मोटर मैकेनिज्म है। मोस्ट ऑफ देम शोज लोकोमोशन। यस, किंगडम एनिमल में ज्यादातर मेंबर जो है वो मूवमेंट करते ही हैं, तो लोकोमोशन करते ही हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ अ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अभी ह्यूमन बींग हो या तो बाकी एनिमल हो, मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन को हम कॉपुलेशन बोलते हैं, या तो कोइटस बोलते हैं, या मेटिंग बोलते हैं, सिंपली सेक्स बोलते हैं। तो मेल एंड फीमेल के बीच में होता है और उसके बाद फाइनली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, मतलब बेबी का बर्थ होता है। हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मतलब 4-5 पॉइंट हम और ऐड करते थे, जैसे 9th नंबर पॉइंट हुआ किंगडम एनिमेलिया हैव अ यू कैन से पंपिंग ऑर्गन सच एज अ हार्ट। किसी किसी में 3 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है, किसी में 2 चैम्बर हार्ट भी होता है। किंगडम एनिमेलिया, मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया कैन बी फाउंड ऑन अ ब्रांचेस ऑफ ट्री, यू कैन से मंकी, दे कैन बी फाउंड इन अ वॉटर लाइक अ फिशेस, दे कैन बी फाउंड इन डेजर्ट लाइक अ कैमल, फाउंड इन अ टेरेस्ट्रियल ग्राउंड लाइक अ ह्यूमन, काउ, बफेलो, डोंकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया शोज एक्सक्रेटरी ऑर्गन लाइक अ नेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, किडनी, एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया शोज रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ अ लंग्स एज वेल एज यू कैन से गिल्स, दोज हु आर रिलेटेड टू अक्वाटिक एनिमल लाइक अ फिशेस। किंगडम एनिमेलिया बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स जो ऑर्गेनिज्म को वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और जिनको वर्टेब्रल कॉलम होता है उनको हम बोलते हैं वर्टेब्रेट्स। तो एनसीईआरटी में किंगडम एनिमल के बारे में काफी कम क्यों दिया गया हुआ है, क्योंकि किंगडम एनिमल एक स्पेसिफिक चैप्टर है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में से है, लेकिन चैप्टर 4 जो है वो स्पेशली किंगडम एनिमेलिया के लिए स्पेशली दिया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा कम दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो हम किंगडम एनिमेलिया में डिटेल में जानकारी लेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको नीट और सीटी नेट सेट के प्रिपरेशन आगे करनी है डिटेल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।